स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ अकेडमी के YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन में। हमने कल की क्लास में कुछ सवाल कराए थे, आज हम फिर क्वेश्चनों के साथ आए। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या आगे करेंगे। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँच के प्रथम सात गुणजों का औसत क्या है। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया था कल, इसी पे एक और क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो आप देखिए क्वेश्चन है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। देखिए कल मैंने जो कराया था, तो आपको क्या करना है, 5 का टेबल लिखना है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से 7 टर्म्स तक चलना है। तब हम उसको काउंट करेंगे और हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड देना होगा, उसके बाद आपको औसत मिलेगा। लेकिन आज हम उसको थोड़ा सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, कितने के टर्म्स दिए हैं, 5 के, ओके, प्लस लगाइए, कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, अपॉन 2 डिवाइड दे दीजिए, 5 + 7 = 35 अपॉन 2 इक्वल 40 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया, 20। तो देखिए कैसे किया हमने, जितने का टेबल था, मतलब 5 हो, 3 हो, 7 हो, 12 हो, कुछ भी हो, और जिसके टर्म जितनी बार पूछे जा रहे हैं आपको वो नंबर रखना है प्लस, और जितनी बार पूछे गए उनका आपको मल्टीपल करना है अपॉन 2। कैलकुलेट करेंगे और सब निकल के आ जाएगा, ओके। आगे हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे ही है। देखिए तो आगे एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करता हूँ और समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है। तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत। देखिए गुणजों का मतलब तो आपको पता ही है, टेबल। तो क्या करना है आपको, औसत निकालेंगे तो 12 + 12 × 13 अपॉन 2 मल्टीपल करिए, मल्टीपल कितना आएगा, 13 × 26 13 × 13 और 2 कितने हो गए, 15 अपॉन 2 ऐड करिए, कितना हो गया, 168 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 84 कितना हो गया आंसर, 84। तो देखिए 84, ओके। देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, अब आगे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को बदलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पहले तो सम विषम पता होनी चाहिए, सम क्या होते हैं और विषम क्या होते हैं। सम संख्याएं जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, अर्थात 2 से कट जाए, वो क्या है, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं को पता कर लिया हमने। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कभी भी जब भी सम पूछे या विषम पूछे, तो आपको नंबरों को लेना क्या है, किस तरीके से नंबर हो, कितने नंबर बोले उसने, 5 क्वेश्चन में कितने नंबर बोले उसने, सॉरी 4 नंबर बोले हैं। तो 4 सम संख्याएं कैसे लेंगे हम, 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो मानेंगे कैसे भाई, पहली संख्या को x मानो, दूसरी को x + 2, तीसरी को x + 4, फिर x + 6 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, ओके। याद रखना ये दो नंबर नहीं लिखे, एक ही लिखे, एक कोमा पर एक संख्या होती है। अब हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। औसत क्या होगा, सभी को काउंट करो, एक्स एक्स और एक्स कितना हो गया, 4x। नंबरों को काउंट करो, कितना हो गया, 12। नंबर कितने पूछे थे हमसे, 4। इन सब का टोटल औसत जो दिया था वो कितना दिया था, 27। तो क्या करेंगे हम, 27 को यहां लिखेंगे,
ओके आगे कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीपल अदर कर दो, नहीं तो ऊपर से क्या ले लो, फोर कॉमन ले लो, x प्लस थ्री अपॉन फोर 24, फोर से फोर कट गया, आगे होगा x प्लस थ्री इक्वल टू 27, कितना आ गया 27, इसको माइनस करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 24, हमें x की वैल्यू पता हो गई। अब हमसे वो चाहे बड़ा नंबर पूछे, चाहे छोटा नंबर पूछे, या पूरी सीरीज पूछे कि चारों जो संख्याएं दी हुई हैं सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू हो गई तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, x प्लस 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, x प्लस 6 कितना हो गई, x की वैल्यू कितनी है 24, x 6 कितना हो गया 30, ओके देखिए अभी हमने सम संख्याओं का क्वेश्चन किया, आगे हम क्वेश्चन करते हैं विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं का क्वेश्चन क्या है, सतत पांच विषम संख्याओं का औसत कितना है 95। तो देखिए अभी हमने क्या बोला था, सम संख्याएं, अब बात हो रही है विषम संख्याओं की। तो मैंने एक बात बताई थी, जो सम संख्याएं हैं वो विषम संख्या आप एक तरीके से मानिए, कुछ लोग क्या होते हैं x मान के x प्लस वन करते हैं, x प्लस टू करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो सम संख्या है उसी को विषम मानिए, क्योंकि आपकी x की वैल्यू कुछ भी निकल सकती है, जैसे चार पांच संख्याएं कहा है उसने, पांच विषम संख्या है, पांच विषम संख्या है, आप मान लो क्या होंगी, x x प्लस टू, x प्लस फोर, x प्लस सिक्स और x प्लस एट, एक दो तीन चार पांच। अब आपको अभी तो ये सम में मानी थी, तो चाहे सम हो या विषम हो आपको मानना यही है, क्यों, क्योंकि आप वहां पर देख रहे थे x बराबर 24 निकला था, तो 24 में हमने क्या ऐड किया था 6, तो कितना निकला था 30। अगर x की वैल्यू यहां पर निकलेगी तो क्या निकलेगी, एक ऑड डिजिट निकलेगी, ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड किया जाएगा तो हमेशा ऑड ही नंबर मिलेगा आपको, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन करते हैं हम, इन सबका टोटल करिए, कितना आ जाएगा 5x टोटल करेंगे प्लस कितना आ जाएगा 20 अपॉन कितने नंबर है 5, औसत कितना दिया हुआ है 95, ओके अभी की तरह हम यहाँ पे कॉमन पार्ट लेते हैं, x प्लस 4 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया, x प्लस 4 इक्वल टू 95, x बराबर कितना हो गया 93। अब आपसे उसने पूछा क्या है वो समझिए, आपसे उसने पूछा है अवरोही क्रम में, भाई आरोही अवरोही क्रम आपको आने चाहिए, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये होता क्या है, आपके घर में मकानों में ज्यादातर आपने देखे होंगे सीढ़ियां बनी हुई, आप उसी से ध्यान रखें कभी नहीं भूलोगे, जब आप छत पर जा रहे हो तो ये समझ लो आरोही क्रम में जा रहे हो, और जब छत से नीचे करके आ रहे हो तो आप अवरोही क्रम में करके आ रहे हो, कहने का मतलब है आप जब सीधी गिनती पढ़ते हो, छोटी छोटी क्लासों में उल्टी और सीधी दोनों गिनतियां पढ़ाई जाती थी, जो आप छोटी से बड़े की तरफ चल रहे हो तो आप आरोही क्रम में चल रहे हो, और जब आप बड़े से छोटे क्रम में चल रहे हो तो अवरोही क्रम में चल रहे हो। तो आपसे पूछा उसने इसमें अवरोही क्रम में सबसे अवरोही क्रम में चौथे नंबर की संख्या क्या होगी, तो अवरोही क्रम क्या हो गया आपका इधर से होगा, और चौथी संख्या कौन सी होगी, इधर से गिनिए एक दो तीन चार, तो ये चौथी संख्या होगी आपकी, तो चौथी संख्या क्या निकल के आई 91 और 2 कितना हो गया 93, तो चौथी संख्या आपकी क्या निकल के आ गई 93, ओके आगे देखिए क्वेश्चन को नोट भी करते जाइए साथ की साथ, जिससे आप याद रखें कराया कैसे गया था। आगे क्वेश्चन देखिए एक और,
ए बी सी डी चार क्रमागत विषम संख्या है, बी तथा ई का गुणनफल, ए बी सी डी चार क्रमागत संख्या है, औसत कितना दिया हुआ है 42, तो आपको क्या निकालना है बी और डी का गुणनफल। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था विषम संख्या और सम संख्या का, आप उसी की तरह क्वेश्चन को मान लीजिए, चार विषम संख्या कौन सी होगी, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, चार हो गई। अब आपसे उसने कहा इन सबका औसत कितना दिया हुआ है 42, कितना औसत दिया हुआ है 42, औसत कितना हो गया सबको काउंट करिए, कितना हो गया 4x प्लस कितना हो गया 12 अपॉन 4, औसत कितना दिया है 42। मान लीजिए 3 अपॉन 4 x प्लस 3 बराबर 42, x बराबर कितना आ गया 39, x की वैल्यू आ गई आपके पास 39। अब उसने कहा है कि आपको निकालना क्या है B और D का गुणनफल। अगर हम इन नंबरों को, इसको अगर A मान लें, इसको B माने और इसको C, इसको D, तो उसने बोला है B और D का गुणनफल, तो वही B और D का गुणनफल निकाल दिए B into D, तो B into D क्या होगा X plus 2 और X plus 6, ओके। अब आप X की वैल्यू पुट अप करिए, x 39 और 2 कितने हो गए 41, मल्टीपल 39 और 6 कितने हो गए 45। अब 45 का पाड़ा किसी को याद है या 41 का नहीं याद है, आप मल्टीपल कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, 45 से कम 45 कितना आ गया 4, 45 का पाड़ा चार बार पढ़ेंगे तो 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, ऐसे पढ़ते हैं आप 45 एकम 45, 45 दुनी 90, 45 किया 135 और 45 हो गए 180, और 180 में चार जोड़ेंगे कितना हो गया 184, आंसर कितना आ गया 184। जिसको मल्टीपल नहीं करना आ रहा हो मल्टीपल आराम से करें, ओके, और क्वेश्चन को नोट भी करता जाए। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, सात क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो भाई सात क्रमागत संख्या है। अब इस बार आपको ना तो उसने विषम कहा है और ना ही सम कहा है, तो सात क्रमागत संख्या हमें सीधी सीधी लेनी होगी, संख्या क्या होगी, पहली x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको क्या निकालना है औसत, औसत कितना दिया हुआ है सबको काउंट करिए, औसत दिया हुआ है इसका 18, तो आप कितना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7x काउंट करिए, 6 और 5 11, 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 प्लस 21 अपॉन कितनी संख्या है 7, कितना दिया हुआ है 18, ऊपर से 7 कॉमन लीजिए, x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 18, x बराबर कितना हो गया 15, x बराबर कितना हो गया 15 निकल के आ गया। अब आपसे उसने पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x प्लस 6 और सबसे छोटी कौन सी है x, इन दोनों का मल्टीपल पूछा उसने, मल्टीपल करते हैं, सबसे बड़ी मल्टीपल सबसे क्या है x इंटू एक्स प्लस 6, x कितना निकला है 15, गुणा 15 और 6 कितने हुए 21, मल्टीपल कर दीजिए 15 एकम 15, 15 दुनी 30 और 1 31, तो नंबर कितने निकल के आया 315, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार की 7 माह में पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है और अगले 5 महीने में
औसत मासिक खपत 86 लीटर है, तो बताइए पूरे वर्ष में कितनी औसत मासिक खपत होगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम भाई, सबसे पहले क्या निकालना है, 5 महीने की, किसकी बात कर रहा है, सॉरी 7 महीने में, 7 महीने में कितनी खपत हो रही है औसत, 110। तो भाई टोटल निकाल लेंगे इसका, कुल कितनी खपत होगी, कुल खपत कितनी हो गई, 7 × 110 मल्टीपल करिए 1170, कितना हो गया 770 लीटर। अब क्या कह रहा है, 5 महीने में, 5 महीने में खपत कितनी होगी, ये 7 महीने की थी, अब 5 महीने की कुल खपत निकालेंगे, 5 × 86 मल्टीपल करो, 5 × 30 और 5 × 40 और 3 कितने हो गए, 43, 430, 430 हो गए, 430 हो गए। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है कि इस कार की पूरे साल की, भाई साल में कितने महीने होते हैं, 12, ओके, तो 5, 7 ये थे, 5 ये थे, टोटल कितने हो गए, 12, पूरी साल की पूछी है, तो 12 पूरे वर्ष की खपत कितनी होगी, 770 प्लस 430 बटे 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11 = 12, 1200 अपॉन 100, सॉरी कितना आंसर निकल के आ गया, 100 लीटर। तो एक साल में उनकी क्या खपत होगी, 100 लीटर होगी कार की, ओके। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम, आगे क्वेश्चन क्या है, 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार में परिवार की औसत मासिक आय कितनी दी हुई है, 15130। उस घर में से एक लड़की का विवाह कर दिया जाता है, एक लड़की का विवाह कर दिया जाता है जिसका नाम अंजू है, परिवार की औसत आय घटकर 14660 रुपए हो गई, तो बताइए जिस लड़की का विवाह हुआ था अंजू नाम की, वह कितने रुपए कमाती थी, तो पता करते हैं हम कितने रुपए कमा लेती थी, तो 4 लोगों की कितनी थी, 4 सदस्यों की कितनी थी, टोटल निकालेंगे कुल आय कितनी हो गई, 4 × 15130 मल्टीपल करिए भाई, गुणा करना तो आता ही होगा आपको, कैसे करेंगे, 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 4 और 1 × 5 = 15 × 60 जीरो लगा दो, 60520 रुपए, ओके। अब एक पुत्री का उन्होंने विवाह कर दिया, तो सदस्य कितने बचे परिवार में, 3, तीन लोगों की सदस्यों की आय आय कितनी होगी, कुल आय निकाल लो, 3 × 14660 रुपए है औसत उनका, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 14660 रुपए, ठीक है मल्टीपल करिए, 6 × 18 = 19 × 14 = 56 × 14 = 42 × 43 = 43,980। ये 4 लोगों की है, ये 3 लोगों की है, तो आपको किसकी निकालनी है, जो लड़की विवाह होके गई है उसकी आय निकालनी है, तो पुत्री की आय क्या करना है आपको, माइनस करना है, 60520 में से 43,980 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करिए भाई, 60520 में से 43,980 को माइनस करना है आपको, तो 14,540, ठीक है 14,540 रुपए, यानी कि वो लड़की जो एक महीने में 14,540 रुपए कमा लेती थी, अब उसकी शादी कर दी गई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं एक और, देखते हैं हम
एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रतिमा बनाई, ठीक है। उसके बाद पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रतिमा की औसत से बनाई, तो अगले 9 महीने में कितनी वस्तुएं प्रतिमा बनाएगी कंपनी? तो पहले क्या करेंगे हम, तीन महीने का निकाल लेंगे, उसके बाद हम कितने का निकालेंगे, 9 महीने पूरे वर्ष का। तो देखिए 3 महीने की, 3 माह की बात करते हैं, प्रतिमा हो रहा है, 3 माह में कुल वस्तु कितनी बनाई, 3 × कितना दिया हुआ है सवाल में, देखिए 4000 कितना दिया हुआ है, 4000 कितना हो गया, ये 12000 वस्तुएं बना रहा है 3 महीने में। फिर वो कह रहा है पूरे वर्ष में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। अब 12 महीने के में औसत बना रहा है, प्रतिमा कितनी बना रहा है, 4375 पूरे वर्ष में बना रहा है वो, तो 4375 पूरे वर्ष में 12 माह में कितनी बनाएगा, 12 × 4375 मल्टीपल करिए भाई, कैसे होगा, 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84 और 6 कितने हो गए, 90, 12 × 3 = 36 और 9 कितने हो गए, 45 और 12 × 4 = 48, 48 × 4 = 52, यही आएगा, क्लियर, 52500। अब उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए आप क्वेश्चन में पूछा है उसने पहले 9 महीने यानी लास्ट में 3 महीने का तो उसने बना ली, उसके बाद पूरे साल की टोटल दे दी उसने। अब उसने हमसे पूछा है कि 9 महीने में कितनी वस्तुएं प्रतिमाह बनाएगा, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 9 महीने में कितनी वस्तुएं टोटल बनाई गई, तो हमें क्या करना होगा, 12 महीने की में से 3 महीने की माइनस कर देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि 9 महीने में उसने कुल कितनी वस्तुएं बनाई। तो 9 महीने में कितनी वस्तुएं बनाई होंगी, 12000 तो कितना आएगा भाई, 40500। ये 40500 9 महीने में टोटल निकाली गई है। उसने कहा है प्रतिमाह कितनी बनाई होगी, तो प्रतिमाह कितनी बनाई होगी, प्रतिमाह के लिए आप क्या करोगे, 40500 में 9 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 × 4 = 36 और 9 × 5 = 45। 4500 वस्तुएं प्रतिमाह बनाई गया वो 9 महीने में, उस हिसाब से 9 महीने में टोटल वस्तुएं कितनी थी हमारे पास, 40500। 1 महीने में कितनी बना रहा है वो, 9 माह में जो बन रही है उसमें 1 महीने में कितनी बना रहा है, 4500 वस्तुएं। देखिए आगे एक और क्वेश्चन ऐसे ही हम करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ष में एक परिवार में प्रथम 3 माह, अगले 3 माह तथा अगले अंतिम 5 माह का औसत खर्च जो दिया हुआ है, पहले 3 माह का खर्च दिया हुआ है 8400, दूसरा दिया हुआ है 10080, तीसरा दिया हुआ है 10608। तो उसने पूछा है वार्षिक बचत भी दी हुई है आपकी 8400, 8640, परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी, परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी, तो आपको क्या करना है, सारे जितने भी औसत दिए हुआ है सबको पहले आपको टोटल में कन्वर्ट करना है। तो पहले कितने माह की बात कर रहा है, 3 माह की, 3 माह में कितना दिया हुआ है, 3 × 84 यानी 8400, इसका मल्टीपल करिए कितना आएगा, 3 × 12 = 24 और 1 = 25, 25200, ठीक है। आगे 4 माह की बात कर रहा है, 4 माह में कितने की बात कर रहा है, 10080, 10080 तो मल्टीपल करिए कितना होगा, 8 × 32 और 10 × 40, यही होगा, चेक कर लो एक बार,
40,320। साथ में चेक भी करते जाए, गलत हो जाए तो मुझे बता दे, नहीं मल्टीपल तो आप कर ही सकते हो। अगले अंतिम पांच माह में कितनी होगी, 5 × 10,608 रुपए। इसका मल्टीपल करिए, 8 × 5 = 40, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, यानी कि 53,640। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब उसने आपसे क्या कहा है, सवाल में देखिए कि मासिक बचत 8,640 रुपए है, तो आप ये क्या निकल के आया आपका, ये सब खर्च है, ये क्या निकल के आया आपका, खर्च। तीन महीने में इतने खर्च किए, ये सब चीज क्या है आपकी, खर्च। ये सब दिया हुआ है वो खर्च दिया है, तीन माह में इतने रुपए खर्च किए, भाई तीन माह में इतने रुपए खर्च किए, चार माह में इतने, अंतिम पांच माह में इतने रुपए, तो टोटल कितने खर्च किए उसने, काउंट करिए, टोटल कितने हो जाएंगे, काउंट करो, 0, 6, 6 और 5 = 11, 5, 3, 8 और 1 = 9, 4, 2, 6, 6 और 5 = 11, यानी कि 119,560 रुपए, 119,560 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, सॉरी आप कहीं देख सकते हो, पांच अट्ठे 40 और 5 = 30, यहाँ पे 0 आएगा भाई, ऐसी मिस्टेक करते जाओगे आप, बता नहीं रहे हो मुझे, कमेंट सेशन में बता दिया करो, 0, 6, 5, 8, 5, 4, 9, 2, 11, 11,860 रुपए, कितना हो गया सॉरी, 118,560 रुपए, ये क्या निकल के आया, खर्च। अब हमें पता है कि आय कैसे निकलती, आय के लिए एक फॉर्मूला होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो हमारे पास क्या है, ये क्या निकल के आया सारा, खर्च, खर्च में रख दीजिए प्लस बचत, कितनी हुई थी, 8,640 है या 60 है, सवाल में देखिए 8,640, इसको ऐड कर दीजिए, आपके क्या निकल के आ जाएगी, आय, इसको ऐड करो, तो ऐड करने पर 0, 6 × 4 = 10, 0, 6 × 5 = 11, 12, 8 × 8 = 16, 1 = 17, 17 कितनी निकल के आगी, 1,27,200 रुपए, आय कितनी हो गई, 1,27,200 रुपए। अब आपसे उसने पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी, औसत मासिक आय, तो मासिक का मतलब होता है महीना, मासिक जितना भी शब्द यूज हो रहा है क्वेश्चन में आपके, वो सब क्या है, मंथ, महीने को बोलते हैं मासिक, तो ये किसकी निकल के आ गई, एक साल की, आपको मासिक निकालनी है तो आप इसमें 12 का भाग दे दो, मासिक आय 27,200 / 12, आप इसको डिवाइड करिए, 12 × 1 = 12, 0, 12 = 72 और 600, एक महीने में कितनी निकल के आ गई, 10,600 रुपए। ओके चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन को हम खेलेंगे गेंद और बल्ला, बैट बॉल खेलते हैं आज, बैट और बैट बॉल पे क्वेश्चन करते हैं, तो भाई एक खिलाड़ी है वो रन बना रहा है, तो भाई देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में 5, 105, 110, 120, 10 और 76 इतने सारे रन बनाए, अलग अलग करके उसने क्या बनाए हैं, सारे के सारे ये रन बनाए हैं, तो देखिए कैसे बनाए हुए हैं, क्वेश्चन में देखें तो 6 पारियों में रन कितने बना लिए उसने, 6 पारियों में रन कितने बनाए भाई, पहले 5 प्लस उसके बाद कितने बनाए हैं, उसके बाद बनाए हैं उसने 105 110 105 + 110 + 120 + 10
दस प्लस छिहत्तर है, ये उसने रन बनाए हैं। कितनी पारियों में, छह पारी में सबको टोटल करिए, टोटल करने पर कितना आएगा देखो कैसे करेंगे, 100, 200, 300 हो गए। अब देखो 10 यहाँ पे हो गए, 20 यहाँ पे हो गए, तो कितने हो गए 30, 5 इसके कितने हो गए 40, यानी 340 और 10 कितने हो गए 350, और 350 में 76 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 में अगर हम 76 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 426, 426 रन बना लिए उसने 6 पारियों में। अब वो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है सातवीं पारी में कितने रन बनाए औसत 80 हो जाए। अब भाई सातवीं पारी में रन, ये कितनी पारियां हैं 6, और सातवीं पारी में कितने रन बनाएगा जिससे कि औसत हमारा कितना हो जाए 80। तो हमें पता है 6 पारियों में रन थे 600 426, मान लो 7 पारी में उसने एक्स रन बनाए तो ऐड करेंगे अपॉन कितने रन हो गए, पारियां कितनी होगी 7, भाई 6 पारियां ये थी, एक पारी हमने अपनी तरफ से मान ली उसने एक्स रन बना लिए, टोटल पारियां कितनी हो गई 7, इस हिसाब से उसका औसत कितना निकला है 80। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी इधर मल्टीपल कर दो 426 प्लस एक्स बराबर 7856, एक्स बराबर क्या होगा 560 माइनस 426, इसको घटाएंगे एक्स बराबर 134, यानी कि सातवीं पारी में उसने रन कितने बनाए होंगे 134 रन बनाए होंगे, तब जाकर उसका औसत कितना हुआ होगा 80 हुआ होगा। क्लियर है, इस तरीके से नोट करिए। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, आगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके औसत रनों में वृद्धि 2 रन की हो गई, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, तो हमें पता करना होगा भाई 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए और औसत कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था, तो हमें नहीं पता भाई 11वीं पारी में औसत कितना था उसका, तो हम 11वीं पारी का औसत मान लेते हैं। 11वीं पारी में औसत, औसत कितना हो गया भाई एक्स 11वीं पारी में, 12वीं पारी में जब उसने रन बनाए तो औसत कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया है, तो यहां पे 12वीं पारी की औसत कितना बढ़ गया x प्लस 2, 12वीं पारी में रन कितने बनाए उसने 63 रन बनाए, तो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे भाई ये 12 पारियों का औसत है, ये 11 पारियों का औसत है, तो हम क्या करेंगे 12 पारियों का जो टोटल है उसमें से 11 पारियों का टोटल हम क्या करेंगे घटा देंगे, जिससे कि 63 रन पता चल जाएगा कि उसने 63 रन 12वीं पारी, भाई ये कैसे आया भाई 63 रन थे 12वीं पारी में और हमें नहीं पता था कि उसने औसत में कितने रन बनाए, तो हमें पता है भाई 12वीं पारी का टोटल हमें पता है, तो टोटल कैसे निकलता है जितने भी औसत दिया उसमें मल्टीपल कर दो उस नंबर का, तो मैंने 12 का मल्टीपल कर दिया, यहां पर आपका 11 का मल्टीपल क्योंकि 11 पारियों का औसत है ये, तो आप इसका कैलकुलेट करिए, तो 12x प्लस 24 माइनस 11x बराबर 63, ये x में से घटाइए x बराबर 63 माइनस 24, x बराबर कितने मिलेगा आपको 9 4 13 और 5 में से 3, ये x क्या निकल के आ गया, ये x निकल के आ गया 11 पारियों का औसत, हमने x किसको माना था 11 को, तो 11 पारियों का औसत कितना निकल के आएगा 39, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में उसने 12वीं पारी के बाद औसत, अब भाई 12 पारी जब खेलने का तो 12 पारी में कितना हो जाएगा 2 और बढ़ जाएगा भाई, ये 11 का हो गया और 12वीं में कितना हो जाएगा 12वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा 39 प्लस 2 इक्वल टू 41, 41 रन बढ़ जाएगा, हो जाएगा भाई उसका औसत 12 पारियों में कितना औसत हो जाएगा 41 रन उसका औसत हो जाएगा। ओके तो देखिए इस प्रकार का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आसानी से इजी से समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई, अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, तो भाई क्या करेंगे 11वीं
पारी में 11वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया भाई इसका, मान लो एक्स एस हो गया। अब जब 11वीं पारी में उसने 108 रन बना दिए हैं तब उसका औसत 106 की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 6 में कुछ जो 11वीं पारी खेलने से पहले 10 पारियां वो खेल चुका है तो 10 पारी में कुछ औसत होगा। जब 11वीं में खेल रहा है तो उसका औसत 6 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10वीं पारी में उसका औसत 6 रन कम होगा। तो देखिए 10वीं पारी में, 10वीं पारी के बाद क्या औसत होगा, एक्स माइनस 6। देखिए ये भाई 11वीं पारी के बाद औसत है और 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, और ये क्या है हमारा 10वीं पारी के बाद औसत। औसत जब हमने 11 पारियां उसने खेल ली है, 108 रन बना लिए 11 पारी में, तो उसका औसत 6 रन बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ जब 10 पारियां उसने खेली होंगी तो उसका 6 रन कम होगा। सीधी सी बात है, हमने 6 माइनस कर दिया, अब हम 6 टोटल कर देते हैं, 11x माइनस 10x माइनस 6, तो इसमें कितना दिया हुआ है 108। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 11x माइनस 10x प्लस 66 बराबर 108, x बराबर 108 माइनस 66, x बराबर कितना मिल गया 4, 2, यानी कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा 42 होगा, और छठवीं पारी में उसका औसत क्या रहा होगा, छठवीं पारी में उसका औसत क्या रहा होगा बताइए मुझे, सॉरी 10 6 60 होते भाई, थोड़ी मिस्टेक होगी गुणा करने में, कितना आएगा 48। तो 11वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया 48, और 10वीं पारी के बाद औसत कितना होगा 6 कम कर देंगे मतलब 42। ओके चलिए देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। एक खिलाड़ी की 15 पारियों का कुछ औसत था, वह अपनी 16वीं पारी में 90 रन बनाता है तो उसका औसत रन 4 प्रति बढ़ जाता है, उस खिलाड़ी का वर्तमान औसत क्या है। तो देखिए करेंगे कैसे, पहले हमें क्या करना होगा 15 पारियों का औसत, तो 15 पारियों का औसत कितना था, 15वीं पारी में औसत कितना हो गया x मान लो, अब 16वीं पारी में कितना हो जाएगा x प्लस कितना बढ़ रहा है 4 या 2, x प्लस 4। अब 16वीं पारी में रन कितने बनाए उसने, 16वीं पारी में उसने रन बनाए हैं 90, 16वीं पारी में कितने रन बनाए उसने 90 रन, तो कितना हो गया 16 मल्टीपल x प्लस 4 माइनस 15x बराबर 90। सॉल्व करो, 16x 16 चौक 64 माइनस 15 बराबर 90, इसको घटाएंगे x बराबर 90 माइनस 64, इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा 6 और 2, 26 रन। 15वीं पारी में औसत कितना होगा उसका 26 रन का, उसने पूछा है भाई वर्तमान में उसका औसत कितना होगा, अब कितनी पारियां खेल ली है उसने, अब 16 पारियां खेल ली है, पहले 15 खेली थी, तो 15वीं पारी में औसत कितना आ जाएगा भाई 26 प्लस 4 बराबर 30 रन, कितना निकल के आएगा 30 रन। ओके देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम, आगे क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 45 विद्यार्थी हैं जिसमें से 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यदि लड़कियों का औसत भार 45 है तो लड़कों का औसत भार कितना है 52, तो पूरी कक्षा का औसत भार निकालिए। तो भाई हमें क्या करना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 45, ठीक है, उसमें से कितने लड़के हैं 30 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 30 बॉयज हो गए
बाकी की बची क्या होंगी, 10 होंगी। वॉइस का औसत भार कितना दिया हुआ है, औसत भार दिया हुआ है लड़कियों का औसत भार 45 और लड़कों का दिया हुआ है 52। तो भाई क्या करेंगे, लड़कों का दिया हुआ है 52, 30 का मल्टीपल करिए 52 में और 15 का मल्टीपल करिए कितना दिया हुआ है 45 में 1350। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 1560। इसका मल्टीपल 1360 इसका मल्टीपल आया और इसका मल्टीपल करने पर आएगा 1350। ये किसका है, गर्ल्स का, ये हो गया बॉयज का, दोनों का टोटल करके कितना होगा, तो हमें निकालना है 45 छात्रों का, विद्यार्थियों का औसत निकालना है, कुल औसत कितना होगा 1560 प्लस 1350 बटे 45, सॉल्व करें कितना आएगा 675 होगा, 15 × 75 60 कितने हो गए 675 आएगा भाई, मुझे कैलकुलेशन किसी ने गलत बता दी, इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन और कैलकुलेशन अपने पे बिलीव करता हूँ, क्वेश्चन कभी भी नोट करूंगा मैं, फिर भी एक बार क्वेश्चन को बुक से देखूंगा जरूर कि सही नोट हुआ है क्यों नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, सही है 3 × 6 = 15 तो ये सही है, इसलिए कैलकुलेशन खुद पर बिलीव करें, दूसरे क्या कैलकुलेशन आपको गड्ढे में ले जा सकता है। देखिए भाई ऐड करिए 5, 6 × 7 = 13, 6, 15 × 6 = 21, 22 बटे 45, सॉल्व करिए इसको, कैसे काटोगे आप बताइए, कैसे काट लोगे, पैंतालीस 5 से भी कट जाएगा क्या, 45 का बाड़ा आता है तुम्हें, भाई 45 का बाड़ा अगर आता हो तो 45 का बाड़ा आप पढ़ सकते हो, देखिए कैसे पढ़ेंगे, 45 चौके कितने होते हैं 180, 45 चौके 180 और 45 पंजे कितने होते हैं, 45 पंजे होते हैं आपके कितने हो गए बताइए मुझे, 235 भाई मुझे फिर भी डाउट है, आप करके देख लीजिए, 5 से ही काट लीजिए आपको सही आ जाएगा 5 × 45 हो गए 5 × 20 कितना बचा 2, 5 × 20 कितना बचा 5 × 7 = 35। आप औसत देखिए सही लिखे हुए हैं क्या, 30 लड़कों का कितना है, 30 लड़कों का 52 है और कितने बचे लड़कियों का कितना है 45, टोटल करिए 5, 6 × 7 = 13, 15 × 6 = 21 और 22 ठीक है भाई काटो इसको, 7 से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, ये 9 × 36 कितना मिलेगा, बचेगा कितना 8, कितना हो जाएगा 87, 9 × 81 देखो भाई 9 × 36 और 45 आ रहे, देखिए आगे हम करते हैं कैलकुलेट करेंगे, 9 × 36 कितना बचा आपका, कितना बच गया 8, कितना हो गया 87, 9 × 81 कितना बच गया 81, कितना बच गया भाई 87 का कितना बच गया 6 बच गया, तो कितना हो गया भाई 60, पॉइंट लगाने पर 60 हो गया, 9 × 6 = 54, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा लगभग, तो हम क्या कर देंगे इस तरीके से जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 50 लगभग करेंगे, मतलब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, अगर हम
पचास लिख देंगे इसको तो कोई गलत नहीं है, अगर साथ में लगभग लगा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा है सभी विद्यार्थियों का औसत लगभग क्या होगा। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, सोमवार किसी सप्ताह, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है तथा मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री है, बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए करते हैं हम क्वेश्चन को, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार कितना हुआ 40 डिग्री, इनका टोटल निकाल लीजिए कितना हो गया 120, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, इनका टोटल कितना निकल के आएगा 120। ऐसे ही आगे दिया हुआ है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका कितना दिया है 41 × 3, कितने कितने दिन है 3 दिन है, तो इसलिए हम 3 का मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 123 हो गया। और हमसे क्या पूछा उसने, सोमवार का तापमान, तो हमें पहले क्या करना होगा, और हमें दिया किसका तापमान है बृहस्पतिवार का, तो हम क्या करेंगे पहले वाले दिनों में से दूसरे वाले दिनों को माइनस कर देंगे, तो एक लाइन खींचिए इस तरीके से, यहां लिखिए घटाने पर, तो जो नीचे वाला इक्वेशन है उस सबके आपको क्या करने हैं सिंबल चेंज कर देने हैं, माइनस 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 और ये माइनस, तो टी से टी कट गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, आपका क्या बचा एम माइनस टी एच थर्सडे, इधर क्या बचेगा 120 माइनस 123, आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है बृहस्पतिवार की, बृहस्पतिवार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 38, तो माइनस 38 बराबर इधर माइनस करेंगे कितना मिलेगा माइनस का 3, एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 3 प्लस 38 एम बराबर कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोमवार की जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न को, एक और क्वेश्चन करते हैं हम आगे, आगे क्वेश्चन क्या है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार से बुधवार कितना हो गया वही वही से अभी की तरह 3 दिन हो गए, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार कितना है 37 डिग्री सेल्सियस मल्टीपल 3, तो कितना हो गया अब मल्टीपल करिए कितना हो गया 7 × 21 और 3 × 9 = 11, 7 × 21 और 3 × 9 = 11, 211 कितना निकल के आया 111 निकल के आएगा डिग्री सेल्सियस। आगे क्या पूछा उसने, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक क्या है, तो मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पत कितना दिया हुआ है आपसे 34 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस, इसको करेंगे तो कितना आएगा 7 × 12 और 3 × 9 = 10 102 डिग्री सेल्सियस। अभी की तरह हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा उसने, इस बार हमसे पूछा थर्सडे की वैल्यू, आपसे क्या पूछा थर्सडे का डिग्री सेल्सियस कितना होगा माइनस 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 और इधर भी माइनस, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, एम माइनस टी एच बराबर कितना मिलेगा यहां सॉरी 9, 111 में से 102 घटाएंगे कितना मिलेगा 9। लेकिन अब उसने हमसे कहा क्या है, उसने ये कहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है 4/5 है, 4/5 किसका तापमान है सोमवार का, तो सोमवार का वही 4/5 कर दो, यानी टी एच बराबर
चार बटे पांच किसके हो गया, एम के हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, थर्सडे की वैल्यू पूछी गई है, हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, थर्सडे की। तो हम यहां से अगर एम की वैल्यू निकाल लें, इंप्लाइज दैट, जिनको क्या बोलते हैं इंप्लाइज दैट, यहां से अगर एम की वैल्यू निकालेंगे, एम की वैल्यू क्या होगी, 9 प्लस टीएच, मैंने इसको इधर कर दिया तो एम की वैल्यू मिल गई मुझे 9 प्लस टीएच। मैं यहां पुट अप कर दूं एम की वैल्यू, टीएच बराबर 9 अपॉन 5 इनटू 9 प्लस टीएच, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5 टीएच बराबर 4, 9 चौक 36 प्लस 4 टीएच, टीएच इधर ले गया होगा तो एक टीएच हो जाएगा, टीएच बराबर कितना हो गया 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बृहस्पतिवार का तापमान जो होगा 36 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। आज की क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था, बने रहिए हमारे साथ अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और आगे की सेशन कल जब भी होगा आगे की सेशन कराया जाएगा, तब तक हमारे से वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है।